हे ऑल, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट के बारे में कि कब होने के चांसेस हैं और कब हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। और इन तीनों सेमेस्टर के लिए मैंने आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेके आया है। और मैंने उसके अंदर आपको पूरा जैसे 2018 या 21 में जो भी उनका मतलब पैटर्न हुआ करता था एग्जामिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग, उस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न भी लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम अभी एडमिशन हुआ है, तो इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो जेन मंथ में होंगे, जनवरी मंथ में। लेकिन जो सेमेस्टर थर्ड और जो सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं, इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर लास्ट वीक से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक, दिसंबर मतलब नवंबर लास्ट वीक से शुरू होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये फोर्थ लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे नवंबर के, और ये चलेंगे आपके दिसंबर लगभग 15 तक, ये आपके फाइनल हो जाएंगे। इसी के अंदर ये इनका एग्ज़ाम होगा थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। ये पूरा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऐसे होगा। ठीक है, अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कई बार यूट्यूब पे बता दिया, एक बार और बता दे रहा हूँ कि जो पेपर का मॉडल होगा, पैटर्न होगा, उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो, पेपर का जो मॉडल होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव वे में होगा। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल लिखना है आपको, थ्योरी। ठीक है, अभी तो थर्ड सेमेस्टर वाले दिए नहीं हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सेमेस्टर फिफ्थ वाले एग्ज़ाम दे चुके हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, तो उनको अंदाज़ा होगा कि उनको थ्योरी कैसे लिखना है। ठीक है, चलो सेमेस्टर थर्ड वालों को क्या करना है। सेमेस्टर थर्ड वालों में एक बस असुविधा है, देखो तुम लोगों का सारा सब्जेक्ट मतलब थ्योरी बेस पे होगा। एक है जिसमें तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वो है स्टैटिकल मेथड। अब कहोगे भैया स्टैट के कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। देखो स्टैट का क्या है कि अभी करंट में तुमसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में से हमेशा उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल करना ही करना है, और इसमें स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो ट्राई करो स्टैट को, मतलब अभी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी है उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वरना तुम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो अभी हम लोग करंट में स्टडी मटेरियल लॉन्च किए हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए, तो वो बताएंगे अभी वीडियो के थोड़े से बाद में। मतलब अब आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर का पैटर्न भी यही है, थ्योरेटिकल बेस होगा। ठीक है, 180 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स, ये सब तो तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इनका भी पैटर्न, इनका भी एग्ज़ाम जो होगा तुम्हें बता दिया, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो बता दिया, और एग्ज़ाम जो होगा तुम्हारा नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर 15 तक फाइनल होने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब इतने कम समय में तुम पढ़ाई कैसे करोगे, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो, तुमको अगर अपना एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न जानने हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो गूगल पे बस हमारा नाम लिखना, LU अपडेट। ठीक है, हमारे चैनल का नाम लिखना, और उसके बाद से तुम यहाँ पे नीचे चले आना, यहाँ पे LU अपडेट के काउंटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करोगे उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, अभी मैंने रिसेंटली ये अपडेट किया हुआ है, तो अपने न्यूज कॉर्नर में इसे अपडेट कर दिया है। तो चलो, थोड़ी मेरी वेबसाइट खुल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यूज कॉर्नर पे क्लिक कर देना। न्यूज पे क्लिक किया, फिर देखो यहाँ पे देखो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था वो अपडेट है। फिर यहाँ पे हमने सेमेस्टर फिफ्थ के पेपर अपडेट किए हैं जो करंट में GST का पेपर होने वाला है, कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद से हमने यहाँ पे अपडेट किया है कि पब्लिक फाइनेंस का। अब इसमें क्या रूल होता है, एक बार रूल भी जान लो। देखो यहाँ का सेमेस्टर में देखो, एक होता है शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, और एक लॉन्ग आंसर में, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट में तुम्हारे पास आठ क्वेश्चन होंगे, आठ में से तुमको कम से कम पाँच क्वेश्चन लिखना होगा, और एक क्वेश्चन पे चार नंबर मिलते हैं। तो जो पाँच नंबर वाले मतलब जो चार नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उनको ट्राई करना कि तुम दो पेज में लिखना, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 नंबर वाले होंगे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा या और करके दिया होगा, जैसे एक यूनिट से तुम्हें टोटल चार सवाल मिलेंगे, चार में से तुम्हें क्या करना, या तो तीन होंगे या तो चार होंगे। तो सबसे पहले या तो एक क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का होगा, या एक होगा बी और एक होगा ए, होगा एक होगा बी, तो या उन दोनों को करो या तो 15 नंबर वाला कर लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो 15 चौक 60, तो ये चारों यूनिट से
15 नंबर के क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। अब तुम्हें इसमें कितना पेज लिखना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन को कम से कम तुम्हें 4 से 5 पेज में लिखोगे तब जाके टीचर तुम्हें 10 से 12 नंबर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको ओरिजिनल पेपर की, कैसे LU के टीचर कॉपी चेक करते हैं और किस तरीके से वो नंबर देते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते एक आपके लिए खुशखबरी है, जब भी आपको इस पेपर को देखेंगे, अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन पेपर के नीचे जस्ट आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करते ही आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा और उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे अपडेट है, ठीक है। तो कैसे हमारे प्रीमियम कोर्सेज होते हैं ये खरीद लेंगे तो क्या आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आप अगर ये सभी कंटेंट आप ले लेते हैं तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो मच।